जांजगीर चांपा में सोमवार की रात 3 बजे देवांगन मोहल्ला के एक घर में भीषण आग लग गई, जिससे घर में सो रहा पूरा परिवार आग की चपेट में आ गया। हादसे में परिवार का एक सदस्य बुरी तरह झुलस गया, जबकि परिवार के बाकी लोगों ने समय रहते घर से भागकर अपनी जान बचाई। घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं इस आगजनी में 1 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घर का मालिक जितेंद्र देवांगन कोसा व्यवसायी है और उसने अपने घर और गोदाम में बेशकीमती कोसा धागा, कोसा कपड़े और साड़ी बड़ी मात्रा में रखी थी, जो आगजनी में जलकर खाक हो गई है। वहीं प्रेमलाल देवांगन से मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की 4 गाड़ियों को बुलाया, पर तब तक पूरा घर जलकर खाक हो चुका था।